अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शुएब मसूद। आज बेसिकली हम बात करेंगे DVLA अप्लाई करने के बारे में। DVLA यहाँ पे क्या होता है, इसे अप्लाई करने का मेथड क्या है, कितने मेथड होते हैं, इजी मेथड कौन सा है, कॉस्ट सेविंग मेथड कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलें वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। बेसिकली DVLA यहाँ पे लर्नर लाइसेंस होता है। लर्नर लाइसेंस यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो यह है, आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। अप्लाई करने के दो मेथड होते हैं, एक है पोस्ट ऑफिस में जाकर, दूसरा ऑनलाइन। पोस्ट ऑफिस में जाकर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको लाइन्स में लगना पड़ता है, कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। पोस्ट ऑफिस में जाकर जब हम DVLA के लिए अप्लाई करते हैं, इसकी कॉस्ट 43 to 45 pounds के करीब होती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इसकी 34 pounds फीस होती है। मैंने जब अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 34 pounds थी। इसके बाद अप्लाई करना काफ़ी ईजी होता है। बेसिकली इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट ये है जिसमें एक बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्म होगा जिसे हमने फिल करना होगा, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा फॉर्म है, दूसरी वीडियो होगी उसके, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये मोस्टली स्टूडेंट्स और जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उस फॉर्म में। जो जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑनलाइन फिल करके सबमिट करवा देते हैं, तो इसके बाद DVLA की तरफ से हमें बाय पोस्ट एक फॉर्म रिसीव होता है। उस फॉर्म को हमने फिल करके उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं वो साथ अटैच करके हमें भेजना होता है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने की। चलें हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने लिंक को किसी भी ब्राउज़र में जाके सर्च करना, सर्च करके इसे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना। बिफोर यू स्टार्ट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे रीड आउट कर लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। बट इसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद मतलब यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपने कभी पहले ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आया तो नहीं है, इसमें नो पे क्लिक करके नेक्स्ट। आफ्टर दैट मतलब करंट एड्रेस कहाँ पे है, मैं इंग्लैंड में था तो मैंने इंग्लैंड को क्लिक किया। और इसके बाद कंटिन्यू, मेरे पास डू यू हैव अ UK पासपोर्ट, नो आई डोंट हैव UK पासपोर्ट, कंटिन्यू। इसके बाद मतलब अगर UK का पासपोर्ट नहीं है तो फिर इसके बाद थोड़ा सा हम पुराने वाले जो मेथड होता है उसके लिए हम आगे बटन आया होगा उस पर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू। फिर हम पुराने मेथड जो पुरानी वेबसाइट है उसकी तरफ चले जाएंगे। इसके बाद सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें हमने फॉर्म फिल करना है, मतलब टाइटल, ये नेम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद कंट्री ऑफ बर्थ, सिंपल कर नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे हाउस एड्रेस, यहाँ पे एक मेन चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप जब यहाँ पे हाउस एड्रेस नेम और नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल आपने हाउस का नंबर देना है और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा देना। और इसके बाद पोस्ट कोड में ओनली पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट कोड में मोस्टली आता है कि 3 digits के या तो 2 digits के बाद स्पेस होती है, उसके बाद बाकी लिखते हैं। तो ये याद से स्टार्ट में होता है कि हम जॉइंट लिख देते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं तो उसे सर्च नहीं कर पाता। यहाँ पे बेसिकली हमने मिनिमम 5 years का हमने बताना होता है। तो इस तरह है कि मतलब जो जब हम UK में शिफ्ट हुए हैं वो तो हम 1-2 months जितना भी टाइम हुआ या 1 day भी हुआ है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन इससे पहले वाला एड्रेस हमने पाकिस्तान का शो कर देना है, पाकिस्तान के एड्रेस को लिंक कर देना है, तो ये कवर हो जाएगा। सिंपल हाउस नंबर, पोस्ट कोड, नेक्स्ट। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका मतलब कि उसने कर लिया है, एड्रेस को फाइंड कर लिया। अदर वे टू फाइंड योर एड्रेस, यस, इट्स अ नॉन GB एड्रेस, क्लिक नॉन GB एड्रेस एंड नेक्स्ट। इसके बाद कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान या जो भी आपका कंट्री है UK के अलावा, नेक्स्ट। यहाँ पे कितने ईयर मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैं तो जितना हूँ जो मेरी एज है मैं उतना अर्सा ही वहाँ पे रहा हूँ। आपने दरमियान में गैप कोई भी नहीं डालना एड्रेस के अंदर, ठीक है।
इसके बाद सिंपल आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, बर्थ सरनेम लाइक मेरे फादर का नेम, फिर उसके बाद मदर का नेम आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट नेम, ओके, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, एंड सिंपल नेक्स्ट। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल नेक्स्ट। अगर आपके पास यहाँ पे पासपोर्ट नंबर में ये है कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर मेरे पास नहीं था, खैर पासपोर्ट नंबर में अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो आप इसमें यूके का पासपोर्ट दें, अदरवाइज पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसे आप ब्लैंक छोड़ देंगे और सिंपल ऐसे ही नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसने पूछा है विल यू बी इन अनदर कंट्री इन लास्ट 12 मंथ। यस, मैं पाकिस्तान में 12 माह से भी ज़्यादा रहा हूँ। कोई डिस्क्वालिफिकेशन है मतलब ड्राइविंग के लिए, कोई डिस्क्वालिफाइड हूँ मैं करंटली? नो, सिंपल नेक्स्ट। नो पे क्लिक करके नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद विच कंट्री यू हैव लिव्ड इन द लास्ट 12 मंथ? पाकिस्तान। इसके बाद यूके में वे डिड यू कम टू लिव इन यूके? जिस डेट को आप यहाँ पे यूके में लैंड हुए थे वो डेट यहाँ पे लिख देनी है, और ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं जिस डेट को आया था मैंने वो डे मंथ और ईयर मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद सिंपल नेक्स्ट। आफ्टर दैट कैन यू मीट द लीगल आई सेट स्टैंडर्ड ऑफ ड्राइविंग? यस, यस पे क्लिक करना है। डू यू नीड टू वियर ग्लासेस और करेक्टिव लेंसेज टू मीट द स्टैंडर्ड? नहीं, मुझे कोई ग्लासेज या मैं लेंस यूज़ नहीं करता, तो इसे नो पे क्लिक करेंगे और सिंपल नेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी किस्म की लाइक बीमारी है या कुछ भी है तो इसमें आप चेक कर देंगे, अगर आपको नहीं है तो सिंपल नेक्स्ट। इसके बाद ये एक छोटा सा चेक बॉक्स है, इसे क्लिक करेंगे जिसमें आई कन्फर्म दैट आई डो नॉट सफ़र एनी समथिंग लाइक दैट, और नेक्स्ट। यहाँ पे इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेकंड वन पे, आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय DVLA ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइंड आउट मोर व्हेन आई हैव फिनिश्ड। इस पे क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे हम, ईमेल एड्रेस को कंफर्म फिर से रिपीट वही एक ही वही ईमेल एड्रेस को देंगे नेक्स्ट। इसके में चेक बॉक्स को चेक करेंगे, प्लीज़ कंफर्म दिस डिक्लेरेशन, चेकिंग द बॉक्स, क्लिक करेंगे, चेक कर देंगे एंड नेक्स्ट। ये हमारा टोटल सारा फॉर्म फिल हो गया, इसमें हम एक बार रिव्यू कर लेंगे सारी इंफॉर्मेशन को। इसमें 34 पाउंड अमाउंट आ रही है तो 34 पाउंड हमें पे करना होगा। इसके बाद सिंपल हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपने कार्ड की डिटेल देंगे जिस कार्ड से हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने कार्ड की डिटेल एंटर की। कार्ड की सिंपल डिटेल एंटर करने के बाद पे नाउ, पे नाउ के बाद ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद ये एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट होगी। सिंपल इसे नेक्स्ट। ये हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ये ईमेल में भी आपको आ जाता है वैसे, अगर यहाँ से कॉपी करने से कर लेने के लिए ईमेल भी आ जाते हैं इसकी। नेक्स्ट। और सिंपल हमारा DVLA अप्लाई हो गया, यू हैव कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन। DVLA बेसिकली अप्लाई करना इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत सी ऐसी जॉब है जो मतलब राइडर्स की जॉब्स होगी, डिलीवरी की जॉब होगी जो हम बाइक्स वगैरह पर करते हैं, इसके लाइक हमें आगे CBT देने के लिए, CBT के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, CBT देने के लिए जो कि कंपल्सरी बाइक ट्रेनिंग होती है,
वो हमें एक दिन में रिसीव हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसी जॉब के लिए कॉल आ जाती है जिसमें बाइक्स पे डिलीवरी करनी होती है, DVLA थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अगर हमारा DVLA पहले से बना होगा तो हम एक दिन में CBT रिसीव करके वहाँ पे आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिलीवरीज की जॉब के लिए या डिलीवरो वगैरह की डिलीवरी के लिए। CBT अक्सर यहाँ पे बाइक्स की डिलीवरी अच्छी समझी जाती है, तो उसके लिए भी CBT हमें चाहिए होता है। तो वो भी फर्स्ट स्टार्ट DVLA से ही होता है, तो इसलिए DVLA बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। तो जहाँ पे हम इतना एक्सपेंस करके आ रहे हैं, मैं सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आके CBT के लिए CBT सॉरी DVLA के लिए फ़ौरन अप्लाई कर लें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जब ये भरना आता है, तो फिर फ्यूचर में काफ़ी इसके बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा जो हमें फॉर्म रिसीव होगा तो उसे हमने किस तरह फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने पासपोर्ट या BRP कार्ड हमने उसके साथ क्या भेजना है DVLA को, और किस तरह भेजना है, और कौन सी पिक्चर्स हमने किस टाइप की पिक्चर्स के क्या क्राइटेरिया आते हैं, सारी इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा बिजी हो गया था क्योंकि मैं भी यहाँ पे न्यूली शिफ्ट हुआ था UK में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं इंशाल्लाह रूटीन में वीडियो बनाया करूँगा, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए इसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।